सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। मैं आप लोगों के बीच में हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार ऑनलाइन मीटिंग में मिलते हैं। मेरे पहले ही जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बताया कि परिचय क्यों दिया जाता है और परिचय देना क्यों जरूरी है। इसी तरह समन संघ में जो भी विषय रखा जाता है, जो भी बातें रखी जाती है, उसका अपना ही एक महत्व होता है। समन संघ में जो भी हो रहा है या जो भी किया जा रहा है, वो बहुत ही सोच विचार के बाद किया जा रहा है। हम सब लोग हर रोज ऑनलाइन मिलते हैं और मिलते ही नहीं है, हम विचार विमर्श भी करते हैं और इसके अलावा हम लोग समन संघ का कॉन्सेप्ट हर रोज बताते हैं और अलग अलग लोगों को समन संघ का कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, जिससे ये एक प्रकार का प्रशिक्षण भी है। समन संघ में परिचय भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है, उसी तरह कॉन्सेप्ट बताना भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है। क्योंकि ये जो हमारा हर रोज नियमित जो ऑनलाइन मीटिंग मिलती है, वो मीटिंग हर रोज हमारा एक प्रकार का प्रशिक्षण सेंटर बना हुआ है। यहाँ कई लोग नए जुड़ते हैं, वो भी सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं, तो उनका भी कॉन्सेप्ट पक्का होता है। और जो लोग बोलते हैं, जो सीखते हैं, वो भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और वो फिर जब लोगों के बीच में जाते हैं स्पोक बनकर, तो उन्हें आसान हो जाता है बताने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विषय को समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारे जो विद्वान साथीदार है, वो लोग कई विषयों पे चर्चा करते हैं, बताते हैं, तभी कभी कभी हमारे लोग विवाद भी करने लग जाते हैं, तर्क करना सही, अच्छा बात है, तर्क करना चाहिए, पर बिन जरूरी विवाद करने से कभी कभी गलत फहमियां पैदा होती है और जो नए लोग होते हैं उन्हें एक गलत मैसेज जाता है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारा मिशन क्या है। ये जो समन संघ बना है और जो हर रोज हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, इसके पीछे का ध्येय क्या है, क्या आशय है कि हम लोग ये इतनी मेहनत करते हैं। हमारे कई वरिष्ठ स्पोक्स है, वो तो 24 घंटा समन संघ के कार्य में ही रत रहते हैं और जो ड्यूटी पे जाते हैं तो वहां पर भी समय निकालकर समन संघ का काम करते हैं। तो ये जो हमारा मिशन है, ये हमारा मिशन बहुत सीधा साधा है पर कठिन भी है। हमारा मिशन है समनों को जोड़ना, पहले खुद जुड़ना, समन संघ का कॉन्सेप्ट को समझना, अच्छी तरह से समझना, हर एंगल से समझना
और उसके बाद जब हम हमारे समन भाई बहन के बीच में जाते हैं संपर्क के लिए, लोगों के बीच में समन संघ की बात बताने के लिए, तब हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। कई लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं, तो उसका सही उत्तर भी देना पड़ता है। अगर सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर गलत फहमी खड़ी हो सकती है, कोई गैर समझ पैदा हो सकती है। और जो जो भी भाई या बहन एक बार गलत इंप्रेशन ले लेगा समन संघ के बारे में, तो आगे फिर उसको जुड़ने के लिए मुश्किल होती है। इसीलिए हम लोगों को विषय को, हमारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग जब शुरू शुरू में ऑनलाइन मीटिंग में मिलते थे, और हम लोग जब एक दूसरे को जय भीम और नमो बुद्धाय से स्वागत करते थे, एक दूसरे का जय घोष करते थे, उसके बाद समय के साथ जब हमको थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो फिर हम लोग ने कहा कि भाई जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो संगन नमामी कहना है। और आजकल हम लोग जब भी मीटिंग में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं तो एक दूसरे को दो हाथ जोड़कर संगन नमामी बोलते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग ने ये भी तय किया है कि हम लोग सुबह में उठकर भी 3 बार संगन नमामी कहते हुए नमन करेंगे, संघ को नमन करते हैं हम। संगन नमानी यानी संघ को नमन करते हैं, संघ को नमस्कार। उसके बाद दोपहर में भी हम एक बार संगम नमामी करते हैं, और रात को भी जो भी अनुकूल समय है, सोने के पहले या भोजन के पहले, जब भी हम संगन नमामी बोलते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आशय है, बिना आशय कुछ काम नहीं होता। तो मेरे एक दो विद्वान मित्र, फील्ड में जाता हूं माफ करना, थोड़ा स्टैंड से फोन गिर गया, फील्ड में जाते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक दो मेरे विद्वान मित्र है, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग जय भीम और नमो बुद्धाय बोलते थे, अभी आपने ये बोलना छोड़ दिया और अभी ये नया संगत नमामी शुरू किया है, क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? मैंने उनको समझाया, समझाने की कोशिश की कि भैया हम जय भीम नहीं बोलते हैं या नमो बुद्धाय नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीम या बुद्ध की जो विचारधारा है उससे अलग हो रहे हैं, पर इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में कई प्रकार के, कई विचारधारा के लोग रहते हैं और सब लोगों की अलग अलग मान्यता है, उनके सबके अलग अलग श्रद्धा केंद्र है, और हमारा मिशन है सबको जोड़ना। और जब हम चाहते हैं कि हम सबको जोड़े, सबको इकट्ठा लाए, तो फिर हमें वो बात करनी है जो सबको स्वीकार्य हो,
जो सारे लोग हमारी बात को स्वीकार करें, क्योंकि हमारा इरादा सिर्फ कुछ गिने चिने लोगों को जोड़ना नहीं है। कुछ लोग जो एक विचारधारा के उन्हीं को जोड़ने का भी हमारा इरादा नहीं है, हमारा वो मिशन भी नहीं है। हमारा मिशन है समन को जोड़ना। समन में हम लोग कहते हैं कि 85-90% लोग आते हैं हमारे देश के, और जो विदेश में भी रहते हैं वो भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो सब हमारे समन है। तो इतने सारे लोगों को जब हमें जोड़ना है तो ये सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं है, अपने अपने विचार है, अपने अपने श्रद्धा केंद्र है। इसीलिए तो भारत में कहा जाता है कि अनेकता में एकता। अनेक लोग हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं भारत में। तो इसलिए हम लोग ने तय किया कि हम लोग संगन नमामि कहेंगे तो सब लोग इस ये बोलने के लिए कोई भी आदमी को संकोच नहीं होगा, कोई इसको अस्वीकार नहीं करेगा, सब स्वीकार कर लेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि हम लोगों को क्या, हमारा इरादा क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्यों हमें ऑनलाइन मीटिंग मिलते हैं, हम क्यों समन संघ का व्याप बढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग सारे देश में सारे लोगों को हर गांव में हर प्रदेश में जोड़ना चाहते हैं, सबको जोड़ना है। आज चाहे है या नहीं हमारे साथ, लेकिन कल हमारे साथ सारे लोग होने चाहिए, सारे समन होने चाहिए। वो चाहे धर्म परिवर्तित समन हो गए तो उन्हें भी हमें वापिस हमारे साथ जोड़ना है। उनकी मान्यताएं कुछ भी हो सकती है, वो चाहे उधर जा सकते हैं, चाहे उसको मान सकते हैं, पर उसे हमें हमारे साथ लाना है, जोड़ना है विचारधारा से। और जो बुद्ध की विचारधारा है, वो तो बुद्ध की जो विचारधारा है वो एक रीजन की या एक प्रदेश की नहीं है, वो वैश्विक विचारधारा है। बुद्ध की जो विचारधारा है वो साइंटिफिक है, और ये विचारधारा सबको स्वीकार्य रहेगी अगर हम सबको समझाएंगे और सबको बुद्ध के जो सील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है वो सभी लोग सोचेंगे कि भाई सील से तो लाभ ही होता है, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे उसका श्रद्धा के अंदर कोई भी हो, लेकिन कोई भी आदमी अगर सील का पालन करेगा, कोई भी आदमी प्रज्ञा के मार्ग पर चलेगा तो उसको सुख और शांति मिलनी है। लेकिन हमें लोगों की पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लोगों को हमें हमारे साथ जोड़ना है तो हमें लोगों की विचारधारा को, लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनकी मान्यता को आदर करना पड़ेगा। जैसे कि एक माँ होती है और अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। दूध इसलिए पिलाना चाहती है कि बच्चा दूध पिएगा तो उसको पोषण मिलेगा, जल्दी बड़ा होगा और उसका विकास होगा मानसिक और शारीरिक, इसलिए उसको दूध देना बहुत जरूरी है छोटे बच्चे को। लेकिन छोटा बच्चा है वो कभी कभी दूध नहीं पीता है या मना करता है या आनाकानी करता है, तो उसको दूध पिलाना बात भी है क्योंकि उसको दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। माँ तो चाहे कि मेरा बच्चा दूध पिए, तो फिर उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ उस बच्चे की हर बात को मानती है, उसको जिस बर्तन में चाहिए उसी बर्तन में देती है, क्योंकि उसको अगर किसी बर्तन में दिया जाए तो बोलेगा नहीं मुझे ये बर्तन नहीं चाहिए, मुझे ग्लास चाहिए। ग्लास दोगे तो बोले नहीं मुझे ग्लास नहीं चाहिए, मुझे दूसरा फलाना ग्लास चाहिए। तो उसके बाद वो
माँ उसको दूध देती है, और दूध जब उसके देती है तब फिर बच्चा बोलता है कि मैं ये दूध अभी भी नहीं पीऊंगा, फिर भी वो मना करता है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो माँ बोलती बेटा मैंने तेरे तूने जो बर्तन में मांगा वो बर्तन में मैंने तेरे को दूध दिया है, अब तो पी ले। तो बच्चा बोलता है नहीं, इसमें जो काला काला क्या है वो निकालो। तो माँ बताती है कि बेटा वो जो काला काला है वो इलायची है, वो भी अच्छी है सेहत के लिए, तुम पी लो। तो बच्चा बोलता नहीं इसको निकालो नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा। तो माँ बोलती ठीक है ले पी ले। तो माँ क्या करती है वो इलायची भी निकालती है और उसको दूध पिलाती है, फिर वो बच्चा दूध पीता है, क्योंकि माँ ने उसकी हर जिद मान ली, गलत या सही मान ली, और उसको दूध पिला दिया, क्योंकि माँ का आशय क्या था उसको दूध पिलाना। उसी तरह समन संघ का आशय क्या है कि हमें हमारे जो 85-90% पीपल हमारे लोग हैं जो अलग अलग मान्यता रखते हैं उनके अलग अलग श्रद्धा केंद्र है, उन सबको हमें जोड़ना है, उन सबको हमारे साथ लाना है। तो इसीलिए हमें सबको जो स्वीकार्य है सबको अपना अपना बर्तन चाहिए। तो हम सबको अपना अपना बर्तन नहीं दे सकते, लेकिन एक कॉमन एक सर्वसामान्य जो स्वीकार्य है वो विषय वो साधन दे सकते हैं। तो इसीलिए समन संघ है, इसने तय किया कि भाई किसी को किसी नाम से या किसी व्यक्ति से हो सकता है कि वो उसको अस्वीकार करे, लेकिन उसको जो संगन नमामि है, जो संघ की संघ है, संघ से किसी को भी विरोध नहीं हो सकता, संघ का कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि संघ तो एक प्रकार का प्राकृतिक संदेश है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि सबको संघ में रहना है। हमारे लोग कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि जब हम लोग संघ में रहेंगे हम इकट्ठे रहेंगे तो बच जाएंगे। पशु पक्षी भी इस बात को समझते हैं, पशु पक्षी भी आपने देखा होगा कि झुंड में रहते हैं, चाहे कोई भी पशु हो कोई भी पक्षी हो वो सुरक्षित रहना चाहते। तो ये संघ है वो हमारे लिए सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच, वो हमें सुरक्षा कवच पूरा पाड़ता है। तो इसलिए हमें समन संघ का जो आशय है वो क्या है कि संघ में रहना है। तो ये जो संघ में रहने के लिए, संघ में आने के लिए कोई 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 भी व्यक्ति है वो अस्वीकार नहीं करेगा, वो आनाकानी नहीं करेगा, वो आएगा जरूर आएगा, लेकिन हमें उसके बर्तन में मतलब उसको जो शब्द से अगर विरोध हो तो वो शब्द नहीं बोलना है हमें, अभी उसको संगम नमामि बोलना है। तो वो सब लोग स्वीकारते हैं, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो इस्लाम को मानता है, या वो यीशु को मानता है, जीसस को मानता है, या वो नानक को मानता, किसी को भी मानता है। तो उसको जब हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर एक शब्द प्रयोग करते कि संगत नमामि तो वो स्वीकार करेगा। एक और बात भी समझेंगे हम कि अगर हमारे घर कोई आता है, हमने उसको निमंत्रण दिया है भोजन के लिए, और वो शाकाहारी है, और हम उसको मांसाहारी भोजन फिर मतलब परोसेंगे तो नहीं खाएगा, और खाएगा तो नहीं लेकिन वो नाराज भी हो जाएगा, वो उसको अपना अपमान भी समझ सकता है और वो हमसे रूठ के चला जाएगा और शायद फिर कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जब कोई हम लोग मांसाहारी है और सामने वाला शाकाहारी है तो हमें उसको शाकाहारी भोजन ही परोसना चाहिए, और शाकाहारी सब लोग भोजन लेते हैं, मांसाहारी कुछ लोग नहीं लेते। तो उसी तरह हमें जिन लोगों को हम मिलने जा रहे हैं, हमारे जो हम लोग बोल रहे हैं कि समन हमारे 85-90% हमारे समन है, तो उन सबके पास जाएंगे तो उनको अपनी अपनी ख्याल है, उनके अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, तो उनके पास हम वो विचार और वो सोच लेकर जाए जिसको वो स्वीकार करे, वो हमसे जुड़ जाए। तो इसीलिए ये मन में रखिए, सबको बताइए कि ना हम तो
भीमराव अंबेडकर को भूले हैं, न उनके एहसान को भूले हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया और उन्होंने किसी एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष के लिए नहीं काम किया है, वो महामानव थे, उन्होंने देश के सब लोगों के लिए काम किया, सारे लोगों के लिए काम किया, 100% महिलाओं के लिए भी काम किया है और सारे शोषित पीड़ित व्यक्तियों के न्याय के लिए काम किया है, उन्होंने सामाजिक न्याय दिया है। और उसी तरह बुद्ध की विचार थे, वो कोई कोई वर्ग विशेष या कोई प्रदेश विशेष के लिए उनके विचार नहीं थे, उनके विचार भी वैश्विक थे और दुनिया उसको मानती है, विश्व उसको मानता है। और उसी विचार पे जब भारत चलता था तब ये भारत महाभारत बन गया था, ये भारत विश्व गुरु बना था। और वही विश्व गुरु के स्थान पर जाने के लिए भारत में कई विश्वविद्यालय थे जो विश्व में मान्यता प्राप्त है। आज हमारी विश्वविद्यालयों का भी हालत खराब है और हमारे यहाँ शिक्षण प्रथा भी बदल गई है। तो इसीलिए हमें समझना है कि हम लोग ध्येय को समझे, हमारा ध्येय क्या है उसे छोड़े नहीं और आगे बढ़े। हम लोग सबको जोड़े, जोड़ने के लिए ही हम यहाँ हर रोज इकट्ठा होते हैं। और हम लोग ये तब कर सकते हैं जब हम लोग सबकी भावना का आदर करेंगे, सबका विचार करेंगे, सबको हमारे साथ हमारे परिवार के साथ जुड़ेंगे। हमारा जो संबंध है वो औपचारिक संबंध नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अगर हमारा संघ का काम बढ़ाना है और काफी लोगों को जोड़ना है तो हमें सबके जो भी हमारे स्पोक्स है या जो भी हमारे संबंध है उनके साथ पारिवारिक संबंध जोड़ना है। पारिवारिक संबंध हमारे बनेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं। कई राजकीय पार्टियां बनी हुई है, कई सामाजिक संगठन बने हुए, कई मजदूर के संगठन बने हुए, ये सारे लोग हमारे लोग बिखरे हुए हैं। तो इन सबको हमें एक विचारधारा के साथ, एक ध्येय और एक मिशन के साथ नजदीक लाना है, साथ में लाना है। जब हमारे लोग हमारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, समन संघ का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, इसका ध्येय क्या है वो समझेंगे, उसके बाद वो हमारे साथ फॉर एवर कायम हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारा जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। पर उसके लिए जरूरी है कि वो सब लोग हमारे साथ जुड़े, पहले वो हमारे नजदीक आए, हमारे साथ बैठे उठे, तभी तो हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोगों के बीच में हमारा विषय बात लेकर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे लोग ये ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो समन संघ को जानेंगे नहीं, समन संघ का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे, कैसे हमारा संघ बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास अभी समय बहुत कम है। अभी हमारे पास देखिए कि जिस गति से वमन काम कर रहे हैं और जिस गति से वो अपनी विचारधारा या अपना जो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके सामने हम समन है, वो बहुजन है, बहुत बड़े साधारण होते हुए भी हम लोग जुड़े नहीं है, अलग अलग लोग हैं। इसीलिए आज देखिए कि हम लोग शासित बन गए हैं, वो शासक बन गए। तो अगर हमें हमारा पुराना इतिहास दोहराना है, हमें फिर से शासक बनना है, हमारे पूर्वज अगर सम्राट थे तो आगे अगर शासक थे, सम्राट थे, और उस समय में अगर हमारा भारत सुखी संपन्न था, महाभारत था, उसको फिर उसी स्थिति में लाना है तो हमें सबको सबका साथ लेना है, सबको जोड़ना है। उसमें फिर हमारा जो भीम विचार भी रहेगा, फुले विचार भी रहेगा, पेरियार विचार भी रहेगा, बिरसा विचार भी रहेगा, शहीद भगत सिंह का विचार भी रहेगा, बिरसा का
और जो गुरु नानक का विचार भी हमारे साथ रहेगा, जीसस का भी विचार हमारे साथ रहेगा, पैगंबर का भी विचार हमारे साथ रहेगा, हम लोग कबीर के विचार को भी आगे बढ़ाएंगे। ये सारे विचार मानव कल्याण के विचार है। जितने भी महामानव हमारे देश पर हो गए, वो सारे महामानवों ने सबका भला चाहा, सबका मंगल चाहा, सबका सुख चाहा। और बुद्ध ने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मिशन को हम आगे बढ़ाए, हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय दे समन संघ के लिए, ऑनलाइन भी जुड़े और उसके अलावा हर रोज लोगों का संपर्क करें, बस यही कहना था। साधुवाद संगत नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।